नमस्कार फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम मेथी थेपले बनाएंगे। मेथी थेपले बनाने के लिए हमें चाहिए एक कटोरी गेहूं का आटा, एक कटी हुई मेथी, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा हरा धनिया, एक चम्मच सूखी लहसुन की पेस्ट और एक चम्मच अदरक मिर्च की पेस्ट। इसे बनाने के लिए गेहूं के आटे में हमें कटी हुई मेथी और सारे मसाले डाल देने हैं और उसमें एक चम्मच तेल डाल के सबको अच्छी तरह से मिक्स करना है और उसमें ज़रूरत के मुताबिक पानी ऐड करते जाना है और उसे अच्छे से गूंदना है। ध्यान ये रखना है कि ज़्यादा नरम ना हो जाए ताकि हमें बेलने में मुश्किल ना हो। इसी तरह हमें अच्छे से आटे को गूंद लेना है। आटा अच्छी तरह गूंद के तैयार है। अब हमें इसमें आधा चम्मच तेल डाल के फिर उसे अच्छे से मसलना है। फिर उसके एक जैसे लुए बनाकर गेहूं के आटे में इसे मिलाकर बेल देना है और दूसरी तरफ गैस पर मध्यम आंच पे तवा रख देना है और थेपले को सेकना है। एक तरफ अच्छे से सिक जाए तो उसे पलट देना है और तेल लगा के फिर उसे अच्छे से सेकना है। दोनों तरफ बराबर से पक जाना चाहिए। इसी तरह हम सारे थेपले को बेल देंगे और सेक भी लेंगे। देखिए, हमारे थेपले बनके तैयार है। आप इसे सब्जी, हरी मिर्च राई वाली या अलग अलग पिकल्स के साथ या फिर चाय कॉफी के साथ भी खा सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे ये वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।